सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय छात्र धर्म। तो भाइयों, क्षत्रिय समाज के विभिन्न संगठन भी अब हमारे जो बाहुबली क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय राजा सुहेल देव भैंस के वंशज हैं, जिनके पूर्वजों ने सबकी माँ बहनों की रक्षा की और आज उन पर एक लाभी, सिर्फ एक लाभी और कोई नहीं, सिर्फ एक लाभी गलत आरोप लगा रही है, जिनकी माँ बहनों की रक्षा क्षत्रिय राजा सुहेल देव भैंस ने की और आज उनके वंशजों पर गलत आरोप लगा रहे हैं। उसको लेकर जो श्री क्षत्रिय करनी सेना है, उसके जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला, उन्होंने लेटर लिखा रघुवंशी जी ने उसको, ब्रिजभूषण जी को, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप पर राजनीति से प्रेरित होकर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं जिसकी कोई सत्यता नहीं है। जब से आपने कुश्ती संघ अध्यक्ष पद संभाला है, कुश्ती को नई पहचान दी है, ऊंचाई मिली है, जिसके लिए आप और आपकी टीम बधाई के पात्र हैं। जिस मुश्किल घड़ी में क्षत्रिय समाज आपको आश्वस्त करता है कि यदि जाति विशेष के दबाव में आकर यदि आप पर कोई भी कार्रवाई हुई तो आपका पूरा क्षत्रिय समाज चुप नहीं बैठेगा। आपको ज्ञात हो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपका क्षत्रिय समाज 22 राज्यों में लगभग 14% आबादी के साथ निवास करता है। लगभग 100 लोकसभा सीट और 500 विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है। यदि आपको कुछ हुआ तो ये क्षत्रिय सड़कों पर उतरेगा और इसके लिए देश की वर्तमान सरकार जिम्मेदार होगी, जो आपके लिए खुले तौर पर समर्थन में नहीं आ रही है। आप पूरी ईमानदारी से सम्मान करिए, हमें देश की न्याय प्रणाली पर विश्वास है। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर कुछ भी हुआ तो क्षत्रिय समाज इसका विरोध प्रदर्शन करेगा। तो 100 लोकसभा सीटों पर क्षत्रिय समाज जो है वो निर्णायक भूमिका निभाता है और जो दूसरे लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वो 20 लोकसभा सीटों पर भी नहीं करते हैं। तो क्षत्रिय समाज सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहाँ ही नहीं है, इसके अलावा बिहार की राजनीति प्रभावित करता है, इसके अलावा मध्य भारत की, मध्य प्रदेश की जो पूर्व जो सीएम रहे हैं वो दिग्विजय सिंह क्षत्रिय थे, गुजरात के पूर्व सीएम रहे हैं बघेला, वो क्षत्रिय थे, और गुजरात ही नहीं, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम क्षत्रिय रहे हैं, और इसके अलावा उड़ीसा के भी पूर्व सीएम क्षत्रिय रहे हैं, रियासतें रही हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगह। तो जिन लोगों को एक दो स्टेट से बाहर कोई प्रभाव नहीं है, वो क्षत्रियों वर्ग, जो पूर्वांचल की संस्था है महाराणा प्रताप युद्धवीर सर्व क्षत्रिय सभा, इन्होंने भी जो लेटर है वो लिख दिया है। इसके अलावा श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना, जो कि बैंसवाड़ा में बनी है, रायबरेली वगैरह में, जहाँ पर महाराजा सुहेल देव भैंस रहे हैं, उनके इतिहास चोरी की बात भी करती है, और इसके अलावा महाराजा कान देव के मूर्तियाँ भी लगवाती है, तो वो भी समर्थन में आ खड़े हुए हैं। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर